न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाना पुलिस ने सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर केस सुलझाते हुए मृतक की पत्नी और सास समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पत्नी ने ही प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर चाकू से गोदकर पति की हत्या कर दी थी। शव को ठिकाने लगाने के लिए आरोपितों ने शव को ट्राली बैग में भरकर इलाके के एक नाले में फेंक दिया था। मामले में मृतक की पत्नी मुस्कान, सास मीनू, मोहम्मद जलालुद्दीन, कौशलेंद्र, विशाल, विवेक और राजकुमार को गिरफ्तार किया गया है। आरोपितों से 7 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। दक्षिण पूर्व जिला DCPRP मीना ने बताया कि दिनांक 10 अगस्त 2021 को थाना न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में DDA फ्लैट सुखदेव विहार के निकट हाजी कट और गैस गोडाउन के बीच गंदे नाले में सूटकेस के अंदर एक डेड बॉडी के बारे में इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी। थाना न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस स्टाफ इमीडिएटली घटनास्थल पर पहुंचा। पुलिस स्टाफ को गंदा नाला के अंदर काले रंग के ट्रॉली बैग में एक पुरुष की डेड बॉडी पड़ी मिली। ट्रॉली बैग को खोला गया तो बैग में करीब 35-37 साल की उम्र का एक डिकम्पोज्ड डेड बॉडी मिली। डिकम्पोजिशन के कारण चेहरे की पहचान नहीं हो सकी। मृत शरीर के दाहिने हाथ पर नवीन के रूप में एक टैटू का निशान पाया गया। डेड बॉडी के दाहिने हाथ में स्टील का कड़ा भी था। पूछताछ के दौरान मौके पर कोई आई विटनेस नहीं मिला था। पुलिस टीम ने जांच में पाया कि व्यक्ति का मर्डर कहीं और किया होगा, लेकिन डेड बॉडी को थाना न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र के गंदे नाले में डंप कर दिया गया था। थाना न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस ने FIR संख्या 270/21 हत्या की धारा 302/201 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए ACP न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी अवनीश कुमार की सुपरविजन में तेजतर्रार SHO सुमन कुमार के नेतृत्व में इंस्पेक्टर जितेंद्र कश्यप, इंस्पेक्टर अमित प्रकाश, SI विष्णु दत्त, SI महावीर, ASI सुरेंद्र, ASI जमालुद्दीन, कांस्टेबल रामकिशन, नितिन, रोहित, जोनी और अनिल की अलग अलग कई टीमें बनाई गई थी। जांच टीमों के सामने सबसे पहले सबसे बड़ी चुनौती डेड बॉडी की पहचान करना था। यह एक परफेक्ट ब्लाइंड मर्डर केस था। डेड बॉडी की आइडेंटिटी के नाम पर मृतक के हाथ पर लिखा नवीन टैटू के अलावा कोई सुराग नहीं था। जांच टीमों ने हिम्मत नहीं हारी। डेड बॉडी की आइडेंटिटी के लिए मुखबिरों का जाल बिछाया। जांच टीमों ने टेक्निकल मैनुअल सर्विलांस के साथ साथ दिल्ली के सभी थानों में मृतक की जानकारी शेयर की और शिनाख्त के हर संभव प्रयास किए गए। जांच टीम को सबसे पहला ब्रेकथ्रू थाना नेब सराय में दर्ज मिसिंग रिपोर्ट से मिला। अथक प्रयास के बाद मृतक की शिनाख्त हो सकी। मृतक की पहचान 24 वर्षीय देवली विलेज निवासी नवीन के रूप में हुई। दिनांक 12 अगस्त 2021 को मृतक की पुलिस ST एशियन नेब सराय में मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। थाना नेब सराय से नवीन की गुमशुदगी की सूचना मिलते ही सभी जांच टीमें इमीडिएटली एक्शन में आई और मिसिंग व्यक्ति के ब्यौरे की जांच की। मृतक की पत्नी मुस्कान ने दिनांक 8 अगस्त 2021 को थाना नेब सराय में सूचना दी थी कि उसका पति नवीन घर छोड़ कर चुका है और तमाम कोशिशों के बावजूद वो उसे ढूंढ नहीं पाए। मिसिंग रिपोर्ट में मृतक नवीन का पूरा शारीरिक विवरण लिखा हुआ था, लेकिन दाहिने हाथ पर गुदे नवीन टैटू की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। मिसिंग रिपोर्ट में दिए डिस्क्रिप्शन से डेड बॉडी की आइडेंटिटी क्लियर नहीं हो रही थी, इसलिए जांच टीम इमीडिएटली दिल्ली के देवली गांव में दिए गए पते पर पहुंची, लेकिन मुस्कान वहां नहीं मिली। टीम को स्थानीय लोगों से पूछताछ में पता चला कि मुस्कान कुछ दिन पहले ही अपने किराए के मकान को छोड़कर जा चुकी है। मकान मालिक प्रदीप से पुलिस को पता चला कि मुस्कान पिछले 1.5 महीने से उसके मकान में किराए पर थी, लेकिन 11 अगस्त 2021 को अचानक कहीं चली गई। मुस्कान के ठिकाने का पता लगाने के लिए पुलिस टीम ने घर घर जाकर पूछताछ की। एक पड़ोसी ने बताया कि मुस्कान अपनी माँ और 2 साल की बेटी के साथ वहाँ रह रही थी। पड़ोसियों से यह भी पता चला कि कैरन स्पाइकी हेयर कट में चश्मा पहने एक लड़का अक्सर मुस्कान के घर आया जाया करता था, लेकिन पड़ोसियों को उस लड़के का नाम मालूम नहीं था। जांच टीम को यह भी पता चला कि किराए के कमरे से निकलने से एक रात पहले मुस्कान के कमरे से झगड़े की आवाजें आ रही थी। पुलिस टीम ने स्थानीय पूछताछ से मुस्कान का मोबाइल नंबर हासिल किया और उसके मोबाइल फोन की लोकेशन हासिल की। उसका मोबाइल फोन दिल्ली के खानपुर गांव में चल रहा था। पुलिस टीम ने आखिरकार दिल्ली के खानपुर गांव में उसके घर का पता लगाया, जहां मुस्कान अपनी मां मीनू उर्फ त्रिसा और अपनी 2 साल की बेटी के साथ रह रही थी। टीम ने मुस्कान से नवीन के दाहिने हाथ पर गूदे नवीन टैटू के बारे में पूछा, लेकिन मुस्कान ने ऐसे किसी टैटू की मौजूदगी से इनकार कर जांच को गुमराह करने की कोशिश की। टीम ने मुस्कान का मोबाइल अपने कब्जे में लेकर मोबाइल फोटो गैलरी में सेव नवीन की तस्वीरों की बारीकी से जांच की। मोबाइल में सेव फोटोज में नवीन के दाहिने हाथ पर टैटू दिखाई दे रहा था। नवीन के भाई संदीप से टैटू के बारे में रिकन्फर्म किया गया। शुरुआत में मुस्कान ने इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड करने की कोशिश की। उसने बताया कि उसका पति नवीन दिल्ली के दक्षिणपुरी का रहने वाला है।
वो पिछले 4-5 साल से नवीन के साथ रिलेशनशिप में है और इस रिश्ते से उनकी 2 साल की एक बेटी भी है। पिछले 7 महीनों से वो दोनों अलग अलग रह रहे थे और अपने पति से अलग होने के बाद वो देवली खानपुर में अपनी माँ मीनू उर्फ त्रिशा के साथ रहने लगी थी। मुस्कान ने पुलिस को बताया कि दिनांक 7 अगस्त 2021 की रात करीब 11:30 नवीन शराब के नशे में उसके कमरे में आया और उससे झगड़ा करने लगा। नवीन ने उसे मारा था जिसके कारण उसके मुंह से खून निकलने लगा और उसने PCR कॉल की। PCR वैन आई और वो अपनी माँ के साथ मेडिकल जांच के लिए एम्स ट्रॉमा गई। जब वो अपने कमरे में लौटी तो नवीन पहले ही जा चुका था। उसने आगे बताया कि अगले दिन नवीन के भाई संदीप ने उससे पूछा कि नवीन कल रात से घर नहीं पहुंचा। इसके बाद उसने PS नेपसराय दक्षिणी दिल्ली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस टीम ने मुस्कान के मोबाइल फोन को चेक किया तो देखा कि मुस्कान ने सभी कॉल डिलीट की हुई हैं। जांच टीम ने मुस्कान से मिसिंग इंसिडेंट के 5 दिन बाद मिसिंग रिपोर्ट करने का कारण पूछा। मुस्कान ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। पुलिस ने 7 अगस्त 2021 की रात पुलिस स्टेशन नेपसराय के PCR कॉल रिकॉर्ड की जांच की और पाया कि मुस्कान ने अपने पति से झगड़े को लेकर PCR कॉल की थी, लेकिन मुस्कान का कोई MLC रिकॉर्ड नहीं मिला। इसके अलावा टीम ने तुरंत उसके मोबाइल फोन की CDR प्राप्त की और एनालाइज्ड किया। यह पाया गया कि वो लगातार एक मोबाइल फोन नंबर यानी 95408XXXXX के संपर्क में थी। मोबाइल नंबर के बारे में पूछने पर उसने झिझकते हुए जवाब दिया कि यह मोबाइल नंबर उसके एक दोस्त जमाल का है। टीम ने तुरंत जमाल के मोबाइल फोन की CDR को एनालाइज्ड किया। जांच में पता चला कि 7 अगस्त 2021 की रात में जमाल देवली गांव में मुस्कान के घर पर ही था। CDR एनालाइज्ड से जांच टीम को यह भी जानकारी मिली कि 8 अगस्त 2021 की रात लगभग 8:23 जमाल के मोबाइल की लोकेशन थाना न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में DDA फ्लैट सुखदेव विहार के निकट हाजी कट और गैस गोडाउन के बीच गंदे नाले के पास की थी। गंदे नाले में ही सूटकेस के अंदर नवीन की डेड बॉडी डंप की गई थी। अब टीम के पास नवीन की हत्या में मुस्कान की इन्वॉल्वमेंट पर डाउट करने के लिए पर्याप्त एविडेंस थे। कड़ी इंटेरोगेशन से मुस्कान टूट गई और उसने खुलासा किया कि 7 अगस्त 2021 की रात में वो जमाल के साथ अपने घर पर थी। अचानक उसका पति नवीन आ गया और जमाल को वन्हा देखकर आग बबूला हो गया। नवीन ने उसे मरना पीटना शुरू कर दिया जिससे उसके होठों पर चोट लग गई। जमाल के 2 दोस्त विवेक उर्फ बागड़ी और कौशलेंद्र घर के बाहर पहले से ही मौजूद थे, जो गर्मागर्म बहस सुनने के बाद कमरे में दाखिल हुए। मुस्कान ने आगे बताया कि जमाल ने नवीन का मुंह भींच दिया। विवेक उर्फ बगदी ने नवीन के हाथ और पैर पकड़ लिए। इसके बाद कौशलेंद्र ने चाकू से नवीन की गर्दन काट डाली। आखिरकार कड़ी मेहनत के बाद थाना न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी टीम ने ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर ही डाला। मुस्कान को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। मुस्कान ने आगे की पूछताछ में बताया कि नवीन की हत्या के बाद जमाल ने नवीन की डेड बॉडी को पानी से धोया और साथ ही गीले कपड़े से कमरे में फैले खून के धब्बे को साफ किया। आरोपी मुस्कान ने यह भी बताया कि डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए जमाल ने अपने एक राजपाल नामक दोस्त को बुलाया। जमाल अपने घर से एक ट्रॉली बैग लेकर आया था। जमाल ने अपने दोस्तों की मदद से नवीन की डेड बॉडी को एक बड़े सूटकेस में पैक किया और एक ऑटो से सुखदेव विहार में फेंक दिया था। पुलिस टीम ने इमीडिएटली आरोपी जमाल की CDR से हत्यारोपी विवेक उर्फ बगड़ी और कौशलेंद्र के मोबाइल नंबरों की भी CDR हासिल कर ली। कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने 20 वर्षीय हत्यारोपी विवेक उर्फ बागड़ी को नई बस्ती देवली से गिरफ्तार कर लिया। इंटेरोगेशन में विवेक उर्फ बागड़ी ने भी नवीन की हत्या में अपनी इन्वॉल्वमेंट स्वीकार कर ली। गिरफ्तार मुस्कान और विवेक ने बताया कि 8 अगस्त सुखदेव विहार के नाले में डेड बॉडी फेंकने के बाद जमाल अपना मोबाइल फोन बंद करके अपने गाँव बिहार भाग गया है। टीम ने खानपुर गाँव में जमाल के घर पर छापेमारी की। जमाल के परिजनों से पूछताछ और उसके मोबाइल सर्विलांस से जांच टीम को पता चला कि आरोपी जमाल गांव बेला मोतिहारी बिहार में आता जाता रहा है और वहीं कहीं छिपा हुआ होगा। पड़ोसियों से पूछताछ में टीम को जमाल का एक नया मोबाइल नंबर मिला। नए मोबाइल नंबर के सर्विलांस से टीम को जानकारी मिली कि जमाल ट्रेन से यात्रा कर रहा है। टीम ने मोबाइल फोन लोकेशन को ट्रैक किया तो पता चला कि जमाल सप्त क्रांति ट्रेन में यात्रा कर रहा है। जमाल को पकड़ने के लिए एक टीम भेजी गई थी। टीम ने मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रुकवा कर के हर डिब्बे की तलाशी ली और यात्रा कर रहे हत्यारोपी जमाल को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ में पता चला कि डेड बॉडी ठिकाने लगाने जाते समय ऑटो उनका एक दोस्त विशाल चला रहा था। विशाल गिरफ्तार आरोपी विवेक उर्फ बगड़ी का बड़ा भाई है। टीम ने छापेमारी कर विशाल को देवली से गिरफ्तार कर लिया। सुखदेव विहार नाला में डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद एक आरोपी कौशलेंद्र अपने गांव कोटवा मोहम्मदपुर रायबरेली भाग गया था।
पुलिस टीम ने रायबरेली गांव कोटवा मोहम्मदपुर में छापेमारी कर हत्यारोपी 19 वर्षीय अमन को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों कहने पर भाई वाला पाक भैंस पाक खानपुर गांव निवासी राजकुमार कुमार उर्फ राजपाल उर्फ हेतल को भी गिरफ्तार कर लिया। राजकुमार ने डेड बॉडी को ठिकाने लगाने में मदद की थी। मृतक की सास खानपुर निवासी 48 वर्षीय त्रिजा उर्फ मेनू को भी पुलिस ने खानपुर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार मृतक की सास ने ही आरोपियों को मृतक को मारने के लिए उकसाया था। वारदात के समय वो कमरे में ही मौजूद थी। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना न भूलें।